हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। तो शिवा इनू का जो AMA सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग 2 घंटे का सेशन था, तो हम उसको चंद मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर क्या कहा गया। मैं ऐसे 6 आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो वहां पर डिस्कस किए गए, जो आप आसानी से समझ पाएंगे। पहला पॉइंट है, वो है शिवा स्वैप 2.0 का। इसके अंदर क्या है कि अब ये जो है इसको पोर्टल में, क्रिप्टो पोर्टल में कन्वर्ट किया जा रहा है शिवा स्वैप को। और साथ में बता दें कि इसके जो क्रिप्टो पोर्टल है इसके अंदर आपको काफ़ी सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे इसके अंदर आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, ट्रेंड्स मिल जाएंगे, न्यूज़, चार्ट्स, बाकी सारी वही चीज़ें मिलेंगी जो भी ऑडियंस को रिक्वायर्ड है, जो कि लोगों को जानना जरूरी है। वो सारी अपडेट्स आपको अब जो क्रिप्टो पोर्टल आने वाला है इसका, उस पर मिल जाएंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि शिवा स्वैप 2.0 का पूरा जो फेसलिफ्ट है वो आने वाला है। अगला जो पॉइंट है वो है शिवा इनू गेम्स की तरफ से। वैसे तो मैंने पहले भी बताया था, सब लोग जानते भी हैं कि शिवा इनू का जो गेम है वो आने वाला है, कि क्योंकि दिसंबर में भी प्लेसाइड स्टूडियो ने बोला था कि जो इसके विलियम वॉक हैं, जो गेम डेवलपर हैं, उनके साथ में मिलके ये गेम डेवलप कर रहे हैं शिवा इनू पे। बट जो AMA सेशन हुआ वहाँ पर ये पता चलता है कि जो शिवा इनू के एक नहीं बल्कि 2 गेम आने वाले हैं। पहला तो आप जानते ही हैं जो कि प्लेसाइड और विलियम वॉक्स के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो गेम है, जो कि मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू। मतलब जब भी ये गेम आता है तब आप इसको आसानी से प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके इसको प्ले कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है ये गेम जो लोग शिवोशिश नहीं ले सकते। अब शिवोशिश के बारे में मैं बता देता हूँ, ये NFTs हैं जो कि शिवा इनू की NFTs हैं, 10,000 NFTs हैं, ये शिवोशिश होते हैं। तो जो लोगों को एक्वायर नहीं, जो लोग शिवोशी को एक्वायर नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए ये गेम फोकस लेके रखा गया है। साइतोशी के अनुसार ये जो मोबाइल गेम है ये PC कंपेटेबल भी रहेगा, मतलब आप इसको PC पे भी चला सकते हैं और साथ में ही इसको आप परचेज भी कर सकते हैं। ये तो हो गई पहले गेम की बात। और दूसरे गेम की बात करें तो वो इसका ब्लॉकचेन वर्जन है, जिसके अंदर क्या है, जो शिवोशीज हैं उनका यूज, उनकी यूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। तो शिवोशीज, जैसे मैंने आपको बताया था, 10,000 जो शिवा इनू के NFTs हैं, टोकन्स हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स। अगर आप नहीं जानते NFTs क्या है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके NFT के बारे में जान सकते हैं। सो NFTs हैं, उनका यूज करके उस गेम को आप प्ले कर सकते हैं। सो देखते हैं कि कब तक ये गेम आता है, क्या फ्यूचर में इसके और अपडेट्स आपको मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है शिवेरियम का। जो शिवोशी NFT थी उसका ट्रांजेक्शन फीस और गैस फीस काफ़ी ज़्यादा थी। सो अब उनका कहना ये है कि जो भी डिस्कस हुआ है AMA के अंदर, तो वहाँ ये कह रहे हैं कि अब इसको किसी तरीके से कम फीस, कम चार्ज लगे, इस तरह का हम प्लान बना रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में हम इस तरह का सिस्टम लॉन्च करेंगे ताकि जो ट्रांजेक्शन फीस है ये कम लगे। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये अफोर्डेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ हो पाती है कि अफोर्डेबल हो जाता है ट्रांजेक्शन करना, और जो गैस फीस है अगर वो कम हो जाती है, तो लोगों को काफ़ी आसानी होगी ट्रांजेक्शन करने में, जो NFTs हैं वो भी परचेज करने में। साथ में एक अनाउंसमेंट और बता देता हूँ कि बोन जो है उसको कन्फर्म किया गया है कि ये शिबेरियम के अंदर एज ए गैस यूज होगा, गैस मतलब फीस, एज ए फीस यूज होगा जो बोन टोकन है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है शिवा इनू बर्निंग की, जिसके अंदर ये बताया गया है कि गेम को छोड़कर, जो शिवा इनू गेम है उसको छोड़कर जितने भी शिवा इनू के फ्यूचर में जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उन सब के अंदर बर्निंग फंक्शनैलिटी आपको इसके अंदर मिलेगी। अगर लास्ट कुछ पिछले महीनों की बात करें तो जो बर्निंग है वो शिवा इनू कम्युनिटी के अंदर काफ़ी अच्छा रोल इसने निभाया है, बर्निंग ने। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो बिगर एंटरटेनमेंट है, काफ़ी सारे जो शिवा इनू हैं वो बर्न किए गए थे इनके द्वारा। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है डॉगी DAO। DAO मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनली अब इसका रिलीज के बारे में भी ये सोच रहे हैं कि एक DAO जो है ये रिलीज करने वाले हैं। सो ये 2 फेज के अंदर होगा। अगर पहले फेज की बात करें, इसके अंदर जो कम्युनिटी है वो डिसाइड कर सकती है कि कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी पेयर जो हैं वो लाइक शिवा स्वैप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में फेज 1 के अंदर जो कम्युनिटी है वो ये भी डिसाइड कर सकती है कि जो बोन रिवॉर्ड्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फेज 2 के अंदर जो कम्युनिटी है वो वाइडर प्रपोजल्स बना सकती है। और अब बात करते हैं जो 6 पॉइंट है जो कि फ्यूचर ऑफ शिवा इनू काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सारी चीजें इन्होंने डिस्कस कर ली, बट एक चीज है जो मिसिंग हो रही है, वो है डेट्स। मतलब इन्होंने सारी चीजों के बारे में बता दिया कि 2022 के अंदर ये चीजें आने वाली हैं, ये हो सकता है, बट इन्होंने डेट के बारे में नहीं बोला। तो जब ये चीज वहां से पूछी गई तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम डेट्स से बात नहीं करते हैं, इससे क्या लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो इन्होंने ये बोला कि जैसे अब शिवेरियम आने वाला है तो वो फर्स्ट हाफ में, मतलब 2022 के फर्स्ट 6 मंथ के अंदर जो शिवेरियम है वो आ सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो 2022 की स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं जनवरी में आ सकता है। वो हो सकता है कि वो शिवा नेट से रिलेटेड हो या फिर पता नहीं किससे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि नया बड़ा सरप्राइज है। सो देखते हैं कि वो अपडेट में क्या क्या बताते हैं कि क्या नया सरप्राइज जो है आपको जनवरी 2022 में देखने को मिलता है। तो लास्ट में अगर हम बात करें
तो वो है नेक्स्ट AMA सेशन। तो वो जो होने वाला है वो फेब में होने वाला है। सो उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।